मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले इन लोगों ने किसानों का कर्जा माफ कर देने का राहुल गांधी से झूठा बयान दिलवाया था, अब प्रियंका गांधी वाड्रा से 50% कमीशन वाला झूठा ट्वीट करवा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर भी भुगतान मिलता है, जैसे कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन लेने वाली सरकार को बाहर किया, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को बाहर करेगी। अब प्रियंका गांधी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दा वहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब प्रियंका वाड्रा से झूठा ट्वीट करवाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, उनका संगठन कौन सा है, वो रहते कहाँ हैं, इन सारी बातों की सत्यता को कांग्रेस प्रमाणित करे, वरना हमारी सरकार के पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ के आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश पर कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रियंका गांधी जी या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, कौन अवस्थी जी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते, जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।